बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आए हैं वो हैं पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी। इसमें जो है वो पूरे पाकिस्तान से जॉब्स हैं, मेल और फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई की मकमल तफसीलात जो है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊँगा। आपने वीडियो को कम्प्लीट देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार समझ आ जाए कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपको क्या तालीम चाहिए, आपकी एज की लिमिट क्या होनी चाहिए, ठीक है। और अप्लाई की जो है तफसीलात मज़ीद बाकी जो है वो आपको बताऊँगा मैं, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले मैं आपको इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, देन उसके बाद इसमें अप्लाई करने का तरीका भी समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप ये एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं जी कि CAA, ठीक है, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ पार्ट ऑफ PCAA प्रोफेशनल टीम, सिचुएशन वैकेंट है, ठीक है। इसमें जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकाउंट्स असिस्टेंट की वैकेंसी, ठीक है, इसमें जो है वो 25 सीटें हैं, ठीक है। तालीम जो है वो इसमें आपकी मिनिमम BCOM होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो कोटा है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि 2 सीटें मेरिट पर हैं, मेरिट मुराद 2 के पूरे पाकिस्तान से आप लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर से 1 है, बल्तिस्तान से 2, फाटा से 1, 3 सीटें KPK से, 13 सीटें पंजाब से, और सिंध रूरल से 3 सीटें हैं, ठीक है जी। इसमें बाकी जो है वो आपका सैलरी पैकेज जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, SG05 के मीन्स के ग्रॉस पे ऑफ स्टाफ ग्रुप, ठीक है। उसके बाद इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज की लिमिट है वो 35 साल तक, मीन्स इससे कम हो, ठीक है, इससे ऊपर ना हो, ठीक है जी, इससे कम होनी चाहिए। तो ये जो है वो सारी वैकेंसी की डिटेल थी, ठीक है, तो जो कि मैंने आपको बताई है। इसमें 25 सीटें थी, ठीक है, और इसमें अप्लाई करने का तरीक़ाकार जो है वो ऑनलाइन ही है, ठीक है। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसमें अप्लाई करना कैसे है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर मज़ीद सेकंड नंबर जो बी है, इस पर लिखा है कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट डिग्री ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज मैंशन अबव एंड CNIC वाइल अप्लाइंग फॉर द जॉब, ठीक है। मीन्स के जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपने अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो स्कैन कॉपीज जो हैं वो आपकी डिग्री की हैं चाहे सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी अगर कोई एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा है, ठीक है, उसकी कॉपियाँ, उसके बाद CNIC की भी जो है वो स्कैन कॉपी अपलोड करनी है आपने लाजमी, ठीक है। फिर इसमें मेल और फीमेल जो हैं वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रोविंसेस, अच्छा जी, डोमिसाइल जो है वो उसकी भी आपने अपलोड करनी है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो आपके कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और क्वेटा, ठीक है, एयरपोर्ट्स पर होंगे, ठीक है जी। उसके बाद मज़ीद मैं आपको डिटेल यहाँ से बता दूँ, फिर मैं आपको ऑनलाइन लेके चलता हूँ जहाँ से आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो बाकी नीचे ये कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी चलते हैं जी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, तो आपने सबसे पहले गूगल पे आना है, गूगल पे लिखना है caapakistan.com.pk, ठीक है। तो ये वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगी, तो आपने जो है चाहे मोबाइल से ओपन कर रहे हैं या चाहे जो है वो आप कंप्यूटर से या लैपटॉप से ओपन कर रहे हैं, तो आपने राइट साइड वाली जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर रेड कलर का आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। मैं ज़रा जूम करके आपको बता देता हूँ, ये आप देख सकते हो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, नई विंडो ओपन हो जाएगी इस तरह से। तो जो एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बताई है, ठीक है, जो कि मैंने आपको दिखाई थी अभी, उसको अगर आपने डाउनलोड करना है तो जो यहाँ पे व्यू का बटन मौजूद है ब्लू कलर का, इसके ऊपर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ख़ुद भी आप वहाँ से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो जब आप देख चुकोगे देन उसके बाद आपने अभी इसको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड पर ब्लू कलर का अप्लाई ऑनलाइन का बटन मौजूद है, ठीक है, ये, ठीक है, यहाँ से मैं आपको थोड़ा जूम करके बता दूँ ये चीज़, ठीक है। तो ये इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है जी। आपने जब इसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे ये आपसे जो है वो आपकी लॉगिन आईडी मांगेगा, तो लाजमी है कि आपकी आईडी इस जो है वो लॉगिन होनी, देन आप इसमें अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। और अगर आप भी मेरी तरह न्यू हैं तो कोई इशू नहीं है, ब्लू कलर की लाइन में लिखा हुआ है कि साइन अप फॉर न्यू एप्लीकेंट, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये फॉर्मेट इस तरह से ओपन होगा कुछ, आपने ऊपर अपना नाम, 2 बार ईमेल, 2 बार पासवर्ड लिखना है और 3री बार यहाँ पे जो है वो कैप्चा, ये जो सॉरी कैप्चा नहीं है, ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं ये आपने लिखने और सबमिट कर देना है, ठीक है जी। तो जब आप सबमिट करोगे देन आपने बैक आना है और बैक आने के बाद अपना यहाँ पे ईमेल लिखना है और यहाँ पे नीचे पासवर्ड लिखना है, ठीक है।
तो उसके बाद साइन इन कर देना है, और साइन इन होने के बाद आप जो है वो जो जॉब है और उसके हिसाब से अपने अपने डॉक्यूमेंटेशन जो जो वो रिक्वायर्ड होंगी तो आपने जो है वो वहाँ पे एंटर करनी है। ठीक है, अगर फिर भी जो है वो किसी को कोई इस वीडियो में कोई चीज़ ऐसी जो कि आपको ना समझ आई हो या कोई भी अप्लाई करते हुए कोई आपको इशू आता हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है मेरे चैनल के जो है अबाउट में, आप जाओगे तो वहाँ पर मेरे ग्रुप का जो है लिंक भी मौजूद है, और मेरा व्हाट्सएप जो है वहाँ पर भी आप जो है रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं जो है वो आपसे मज़ीद किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए जो है आपको वो गाइड कर दूंगा, कोई भी अगर आपको इशू हुआ तो। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।